एम्पलीफायर जो मैंने घर पर बनाया है, इसकी मैं आपको आवाज़ टेस्ट करके दिखाऊंगा इस बड़े स्पीकर द्वारा। ये 8 इंच का स्पीकर है गाइस। और ये गाइस, ये मैंने जो ये मशीन देख रहे हैं, ये मैंने घर पर बनी है गाइस, आप उसके देख सकते हैं। इस मशीन में मैंने गाइस एक चार्जिंग मॉड्यूल भी लगाया, जिससे आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये बटन वाला दबा के दबाना पड़ेगा, फिर ही आपको चार्ज कर सकते हैं फ़ोन। एंड ये मशीन गाइस एम्पलीफायर के साथ चलता फिरता एक होम थिएटर भी है, मतलब कि एक होम थिएटर भी है। इसमें क्या है गाइस, अगर आप हाई पर रखोगे तो आपका सिर्फ आवाज़ आएगा, और इस बटन को अगर आप लो पर कर देते हो तो ये सिर्फ बेस फेंकेगा आपका, जो जो इसके पीछे जो स्पीकर कनेक्ट होगा। अगर आप इसको बीच में रखते हो तो कोई भी आवाज़ नहीं आएगी इस, ठीक है गाइस। एंड ये मेन स्विच है ऑन करने को। एंड यहाँ पर एक माइक लगा है, यहाँ पर आप माइक कौन सा भी एक माइक लगा सकते हो। मेरे पास वो माइक वाला सॉकेट नहीं था, इसलिए मैंने एक फ़ोन जैक वाला भी सॉकेट लगा दिया। इससे मैं एक नया माइक बना के उससे मैं चलाता हूँ इसको। एंड यहाँ पर बैलेंस आ गया आपका, एंड बेस एंड ट्रेबल, और ये वॉल्यूम 1 एंड 2। इसके अंदर गाइस 2 मैंने 44-40 बोर्ड लगाए हैं, यानी 4 IC, और आप इस प्रकार के 8 इंच के 4 स्पीकर यूज़ कर सकते हो गाइस। मैं आपको इसके पीछे का नज़ारा भी दिखा देता हूँ गाइस। ये स्पीकर 1 के लिए, ये स्पीकर 2 के लिए, जिसमें मैंने एक स्पीकर कनेक्ट कर रखा है जो नीचे वाला। एंड यहाँ पर एक फ़ैन भी लगाया है जो मैंने घर पर बनाया है, ये CPU फैन, इस मशीन के अंदर IC उसको ठंडा रखने के लिए। एंड आप इसको TV वगैरह के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। और ये 12V DC सप्लाई से भी चलता है गाइस, आप बैटरी से भी चला सकते हो इसको। एंड ये 220V की आपकी केबल हो गई है इनपुट, और ये एक फ्यूज़ बॉक्स है। एंड यहाँ पर एक में FM का एंटीना आप वायर बाहर काट रख सकते हो। फिलहाल मैंने इसको निकाला नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में कोई FM सुनता नहीं है। तो ये इस प्रकार ये मशीन है। इसके अंदर का राज भी आपको मैं दिखा देता हूँ गाइस खोल के। ये थोड़े ऐसे टूटा हुआ, ये फैन हो गया गाइस इसकी पॉपुलर। और ये ट्रांसफार्मर है गाइस 3 एम्पियर का। और ये जो वो सर्किट है जो गाइस से बेस फेंकता है, इस सर्किट की वीडियो गाइस मैंने होम थिएटर बोर्ड की वायरिंग पर, मैंने होममेड होम थिएटर बोर्ड बनाया था 82-83, उसमें मैंने इसको बारे में बताया है गाइस। और इसके नीचे आप देख सकते हो ये एक चार्जर मॉड्यूल है, जिससे हम अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो, पोर्ट वगैरह वगैरह। और गाइस यहाँ पर मैंने एक 62-83 एम्पलीफायर बोर्ड भी लगाया है। ये क्यों लगाया गाइस, क्योंकि गाइस मैंने ये जो बोर्ड है ना, ये देख सकते हो, ये मैंने एक ऑनलाइन मंगाया था इस बोर्ड, ये बोर्ड और इसके साथ एक पैनल आई थी। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने अपने चैनल पर कर रखी है गाइस, आप देख सकते हैं, आप चाहे तो हमारे चैनल को वीडियो देख सकते हैं। ये बोर्ड, ये IC मैंने इसलिए लगा रखी है क्योंकि गाइस इस बोर्ड की, पता नहीं मैंने इसको चलाया इसलिए इसकी एक IC ख़राब हो गई थी। मैंने उसको चेंज ना करा के मेरे पास ये पुरानी DVD से मैंने एक ऑडियो बोर्ड ये निकाल रखा था, ये मैंने इस IC के बदले ये लगा दिया है गाइस। इसकी वायरिंग, ये वायर है स्पीकर में गई है गाइस। और ये माइक का सॉकेट है गाइस, ये वाला, तो आप अंदर से देख सकते हो कुछ इस प्रकार। इसकी थोड़ी वायरिंग कुछ सफाई से नहीं की गई है, बाकी मशीन हमारी बात करती है गाइस। मशीन का लुक आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। पीछे से भी दिखा देता हूँ, इसका रिमोट है, तो चलिए मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर मैं इसका प्लग, अभी हमारी मशीन ऑन नहीं है भैया, कि हमें यहाँ पर मेन स्विच अंदर से मशीन पे भी लगाया, ये उसकी ऑन करना पड़ेगा। आवाज़ आने लग गई, USB में कार्ड लगा रखा है।
वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ गाइस, देखना गाइस मैं वापस वॉल्यूम इसका बढ़ाता हूँ, आप उसकी आवाज़ सुनिएगा गाइस की। यहाँ पर ये फैन भी चालू है इसका, ये देखिए गाइस इसका फैन देखिए जो अंदर की जो हवा होती है गाइस गर्म हवा वो उसको बाहर निकालने का काम करता है गाइस। यहाँ पर हवा आ रही है हमारे, यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 7805 रेगुलेटर लगा रखा है जो 12 वोल्ट से 5 वोल्ट आपको ये फैन में जा रहा है, क्योंकि मैंने ये फैन 5 वोल्ट से चला रहा हूँ गाइस, क्योंकि हमारी मोटर इतनी पावर 12 वोल्ट पावर नहीं चल सकती, वो ख़राब हो जाएगी जल्दी। मैं आपको फिर से वॉल्यूम चार्ज कर रहा हूँ, पर ये चार्जर भी दिखा देता हूँ, देखिए ऑन हो गया सप्लाई। तो गाइस मैं आपको इस चार्जर से आपको कोई मैं ये वाला ब्लूटूथ आपको चार्ज करा के दिखाता हूँ, देखिए केबल यहाँ पर चार्जर को हम स्पीकर हैं तो दिख रहा होता हूँ, मैं इसको बंद करके दिख देखना आप भी इसको बंद कर दे रहा हूँ। देख सकते अब वो ये चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि ये सारी पिन में से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं जैसे चार्ज ऑन करता हूँ चार्जर हमारा स्पीकर चार्ज हो गया। इस प्रकार आप अपने फ़ोन में अगर आप इस एम्पलीफायर को चला रहे हैं और अगर आपका फ़ोन डिस्चार्ज है तो आप इस एम्पलीफायर के द्वारा आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं और आप संगीत का भी आनंद ले सकते हैं। आप 8 इंच के गाइस आप 4 स्पीकर चला सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने 4 IC है गाइस बोर्ड के अंदर, ठीक है मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।